ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म आर्टिकल 370 जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म का रिव्यू करना बहुत जरूरी है। देखिए आर्टिकल 370 ये जो मसला है ये हमारे देश में बहुत अरसे से चल रहा है और इस पर बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन इसमें बहुत तहलके मचे हुए थे और जो रूलिंग पार्टी है उस पर खड़ा जवाब दे रही थी और उसी पर बनी है फिल्म आर्टिकल 370। यामी गौतमी की ये फिल्म है, उन्होंने लीड रोल किया है, बहुत प्यारा रोल किया है उन्होंने। इस फिल्म के बारे में अगर कहूँ तो इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारी है, इसके लोकेशंस अच्छे हैं, इसके कॉस्ट्यूम अच्छे हैं, इसके लाइटिंग अच्छी है, इसके सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, इसका डायरेक्शन अच्छा है, इसकी स्टोरी बहुत बहुत बढ़िया। हालांकि ये ट्रू इवेंट पर है इसलिए इसमें बहुत संशोधन करना पड़ता है। देखा जाए तो अगर ऐसी फिल्में बनती है जो काल्पनिक आधार लेकर फिल्में बनती है वो अलग होती है, लेकिन जब ट्रू इवेंट्स पे जब फिल्में बनती है तो उसके लिए बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद फिल्में आपके लिए ले आनी पड़ती है। तो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, राइटर्स के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये सब जो एविडेंस है वो एक साथ लेकर फिल्म लिखनी पड़ती है और ऐसी फिल्म आर्टिकल 370 हमारे सामने आई है। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है आर्टिकल 370, जो फिल्म अपने आर्टिकल 370 के बारे में पूरी डिटेल में हमें नॉलेज देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में खासकर कि ये 370 क्या है, ये क्यों होना चाहिए, किस लिए चाहिए, नहीं, बहुत विरोध किया जा रहा था। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या था आर्टिकल 370 और हमारे रूलिंग पार्टी ने इस 370 को कैसे हटाया। ये देखने के लिए ज़रूर देखिए 370। जिन जिनके दिमाग में ये जो आर्टिकल 370 का जो कीड़ा था जो कि भाई नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसे जो विरोध थे उनके लिए खासकर ये फिल्म है। जाइए और देखिए ये फिल्म 370 आर्टिकल 370, क्योंकि इसमें पूरी तरह से दिखाया गया है कि कैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया और क्या था उसके पीछे, क्या राज थे, क्या क्या चीज़ें थी जो छुपाई गई थी हमसे, पूरे डिटेल में इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आप इस देश के सही नागरिक हो, सच्चे नागरिक हो, देशभक्त हो, तो जरूर देखिए 370। आर्टिकल 370 फिल्म देखना बहुत जरूरी है मैं कहता हूँ। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं ये बिंदास कहूंगा कि यू मस्ट सी दिस फिल्म, बिकॉज ये फिल्म पूरी तरह से आपको नॉलेज देती है, क्योंकि हम लोग तो पूरे आर्टिकल्स पढ़ते नहीं, देश के संविधान को पढ़ते नहीं, जो कुछ भी पॉलिटिकल हमारे सामने लेके आते हैं बस उसी के चक्कर में हम लोग बह जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें दिखाने वाली ये फिल्म है आर्टिकल 370, और 370 को देखना बहुत ज़रूरी है। रही बात इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म का ओवरऑल पूरा मेकिंग जो है वो क्लास 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 है, सुपर डुपर हिट फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, सभी ने देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि इसके एक्टर्स अच्छे हैं, इसके स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारी है, इसके सिनेमेटोग्राफर, इसके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो प्यारा है, फिल्माई तो बहुत प्यारी तरह से है। लेकिन मैं खासकर इस फिल्म के बारे में अगर कहूँ तो इसका जो क्लाइमैक्स है वो रोंगटे खड़े कर देता है, और इसमें जो एक्टर्स लिए हैं, जो मेकअप दादा है हमारे, मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने जो काम किया है वो तो लाजवाब है। अरुण गोविल जी को मोदी जी के कैरेक्टर में लेके आए हैं, बहुत प्यारा मेकअप किया है। लेकिन इसमें खासकर आसित रेड्डीज और किरण करमरकर, ये जो एक्टर्स हैं ये मराठी इंडस्ट्रीज के एक्टर्स से प्यारे एक्टर्स से, और आसित रेड्डीज ने जो कुछ भी धमाल किया है इस फिल्म में, वाह लाजवाब। क्लाइमैक्स एकदम मजबूत है और क्लाइमैक्स में जो इंटरकट्स है, कैसे कैसे आर्टिकल 370 का मसला हल होते देखता है, देखने को मिलता है, ये बहुत ही बहुत एंजॉय करने वाली बात है, बहुत ही समझने वाली, और दिमाग और दिल और आंखें खुली रख के, कान खुले रख के देखने वाली ये फिल्म है और सुनने वाली फिल्म है। क्लाइमैक्स जैसे फिल्म का शुरू होता है उसमें आसित रेड्डीज ने जो काम किया है, जो अपोजिशन में जो नेता लोग जिस ढंग से पेश आते हैं और भाई कितना विरोध होता है, ये आसित रेड्डीज ने इतने बाखूबी से दिखाया है, क्या क्लास काम किया है, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ,
बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही समझ बूझ कर आसित रेडीज ने काम किया है, और किरण करमरकर और आसित रेडीज की जो टफ फाइट दिखाई गई है, इसके तो पूरे मार्क्स डायरेक्टर को जाते हैं। जिस ढंग से उन्होंने ये लास्ट जो क्लाइमैक्स वो फिल्माया है, आहा, ऐसे लगता है कि ये जो पूरा विवाद पार्लियामेंट में चल रहा है और जो फिल्म में जो कुछ भी स्क्रीन प्ले किया है, जो स्क्रीन प्ले फिल्म का, वाव क्लास, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत। आसित रेडीज और किरण करमरकर, हैट्स ऑफ। किरण करमरकर जी के बारे में कहूं तो उन्होंने जो अमित शाह का रोल किया है, बाबा बाबा बाबा, एक एक्टर एक कैरेक्टर को कितनी बारीकियों के साथ करता है, मैनरिज्म हो, उसकी डायलॉग डिलीवरी हो, उसके जेस्चर्स हो, क्लास। हर एक एक्टर ने, जो नए एक्टर से, अपकमिंग एक्टर से, या जो एक्टर्स काम करते हैं, उन्होंने भी ये फिल्म देखनी चाहिए, खासकर किरण करमरकर के लिए। किरण करमरकर जी ने जो अमित शाह को पोर्ट्रे किया है, जिस ढंग से उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया है, वो देखकर मैं ठाकुर के बिंदास बोल से सभी एक्टर्स को जो बायोपिक में काम करते हैं उनको कहूंगा कि जरा देखिए भाई, किरण करमरकर ने जिस ढंग से काम किया है, जिस ढंग से स्टडी किया है कैरेक्टर का, और जैसे उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को निखारा है, वो देखने लायक है और सीखने लायक है। खासकर सीखना है किरण करमरकर, इनका अमित शाह ये जो रोल है वो देखिए, यू विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस कैरेक्टर, दिस एक्टर बेसिकली। लास्ट क्लाइमैक्स में वो आते हैं और धूम मचा देते हैं, बहुत बढ़िया। और मैं ठाकुर के बिंदास बोल से आसित रेडीज और किरण करमरकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने तो दिल जीत लिया भाई। तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं सभी ऑडियंस को फिर से कहूंगा कि अगर आपने फिल्म देखी नहीं होगी तो जाइए और देखिए फिल्म। ये कोई पॉलिटिकल फंडा नहीं है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है, हिंदुस्तान की सच्चाई है। 370 आर्टिकल क्या था, कैसे था और क्यों ये सब लफड़े हुए हैं, ये सब देखने के लिए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस फिल्म के द्वारा, आर्टिकल 370। जाइए और देखिए, अगर आपने देखी नहीं होगी फिल्म तो देखिए आर्टिकल 370। और फिर से मैं कहूंगा कि किरण करमरकर जी और आसित रेडीज, इनके लिए तो फिल्म जरूर देखिए, एक्टर्स, खासकर जो एक्टर्स है उनके लिए मैं कहूंगा, और ओवरऑल देश के सभी लोगों को कहूंगा, विनती करता हूं ठाकुर के बिंदास बोल से, एक बार देखिए भाई फिल्म आर्टिकल 370। तो थैंक यू वेरी मच, और ठाकुर के बिंदास बोल से मैं अगला रिव्यू और अगला रिएक्शन लेकर जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।